हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये मैं देखिए कीमे की गोली बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, इसके लिए मशीन का कीमा लिया है और इसमें चिकना भी होना चाहिए और रूखा भी दोनों चाहिए। ये सौंफ है 1 चम्मच और 2 चम्मच धनिया साबुत, ये इसको कूट लीजिए, मतलब हल्का हल्का दरदरा पीसना, कूट भी सकते हैं आप इसको। ये देखिए, और एक बार मिक्सी में चला लीजिए कीमा। ये देखिए, इससे लोज बनता है, ये देखिए इससे अच्छी गोलियाँ बनती हैं। ये देखिए, ये है ज़ीरा, यह है गरम मसाला, ये अमचूर पाउडर आधा आधा चम्मच, ये मैंने इसमें तो ऊपर से डाल दिया जो मैंने पीसा था, हल्का सा हल्दी है, मिर्चे हैं, मैंने नमक नहीं डाला क्योंकि नमक से पानी निकलता है, ये बारीक कटी मिर्चे हैं, ये धनिया है, ये लेमन जूस है 1 चम्मच, और ये मैंने प्याज लिए, कद्दूकस कर लिए। ये देखिए, इसका पानी सारा निकाल दीजिए, फिर इसमें डालिए, नहीं तो पानी हो जाएगा, पतला हो जाएगा, फिर ये गोलियाँ बनेंगी नहीं सही से। ये गोली आप वैसे ही बना के खा सकते हैं, रमज़ान में तो ज़रूर खाई जाती है हर घर में, वैसे भी आप बना के खा सकते हैं, बहुत अच्छी और टेस्टी लगती है। हरी चटनी से बनाइए, मैं अभी चटनी बनाने भी सिखाऊंगी, मैंने रख दिया रेस्ट के लिए, आधा घंटा हो तो ठीक है, नहीं तो 1 घंटा, जितना भी टाइम आपके पास है। ये धनिया डाल दिया है मैंने, ये देखिए 2-4 लहसुन की कलियाँ, 2-4 मिर्चें, और ये खटाई डाल दी है मैंने, कच्ची आम इस टाइम आई हुई है, नमक डाल दिया, नहीं हो तो आप लेमन जूस डाल दीजिए, ये ज़ीरा डाल दिया, ये धनिया डाल दिया, ये सारा सामान हल्का सा पानी डाल के अब इसको पीस लीजिए। पुदीना भी है, ये देखिए मैंने पीस लिया, हल्का सा पानी डाल के थोड़ा पतली कर लीजिए, इसके साथ कीमे की गोलियाँ बहुत टेस्टी लगती है। ये तो वैसे भी आप बना के रखिए, चटनी बहुत अच्छी होती है। ये देखिए, अब मैंने इसको निकाल लिया और अच्छी तरह से इसको मैं, ये देखिए अब हम इसमें नमक डालेंगे क्योंकि नमक पानी छोड़ता है, ये तो आपको सबको पता है। ये देखिए, मैंने ऐसे गोल गोल बना लिए, ये देखिए छोटी सी मैं गोलियाँ छोटी छोटी तोड़ती रहूँगी, इसमें गोलियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी तोड़ लीजिए, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी होती है ना तो अच्छी तरह से सिकती है। देखिए, ये देखिए मैं एक एक करके ऐसे डालती रहूँगी, इसको अभी छेड़ना नहीं है। ये देखिए मैंने डाल दी है छोटे छोटे करके, देखिए इसको चलाना नहीं 5 मिनट बस, ऐसे ऐसे थोड़ा सा कर दीजिए, और आँच हाई रखिए, कम मीडियम आँच में ये सारी टूट जाएंगी। ये देखिए मैंने इसको, ऑयल इसका निकल जाएगा। ये देखिए मैंने सर्व कर लीजिए चटनी के साथ, आप खा के देखिए, बहुत टेस्टी लगती है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, हम रमज़ान में ज़रूर बना के खाएं। अल्लाह हाफिज़।